मैं आज तक YouTube पर बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग होने वाला है। देखो, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो बनाने का पीछे का कोई ना कोई मकसद होता है, नहीं तो उस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलती है। कभी मैं ब्लॉगिंग करते रहता हूँ, कभी कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर भर्ती ऑफलाइन रहती है तो मैं उसका फॉर्म भी टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। अगर भर्ती ऑनलाइन रहती है तो उसमें कितना दौड़ होगा, कितना हाइट लगेगा, कितना वेट लगेगा और कितना चेस्ट लगेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता देता हूँ। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जितने लोग कई सालों से टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों का हाइट कम है और वो लोग पढ़ने में भी कमजोर हैं। वो लोग शुरू से ग्राउंड में जाकर दौड़े हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने जिंदगी में आगे क्या करूं। देखो यार, ऐसे लाखों युवा पड़े हैं और वो लोग रेगुलर अपने लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो उन भाइयों के लिए नहीं है जिन लोगों का हाइट अच्छा खासा है, जो लोग पढ़ने में काफी अच्छे हैं, भर्ती देखने जा सकते हैं और कहीं भी पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन जिन भाइयों का हाइट कम है ना, वो लोग हर भर्ती में नहीं जा सकते हैं और उन लोगों का सपना है कि मुझे डिफेंस लाइन में ही जाना है। कुछ भाइयों को मेरा बात सिर्फ बात लगेगा, लेकिन कुछ भाइयों को पूरा बात सुनने के बाद उनका कुछ परेशानी दूर हो सकता है। देखो, 14 जून को इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ और उसी 14 जून को इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्नि भी रखा गया। लेकिन उसी 14 जून को टी आर्मी के ऊपर कुछ बोला गया, टी आर्मी का कोई भी न्यूज नहीं निकला और आज तक बस ऐसा बोला जाता है कि अगस्त में टी आर्मी का भर्ती आएगा, सितंबर में टी आर्मी का भर्ती आएगा, अक्टूबर में टी आर्मी का भर्ती आएगा। लेकिन टी आर्मी का कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है और टी आर्मी का तैयारी करने वाले लाखों युवा ऐसे पड़े हैं ना जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, मेरे भाई, आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। ये जितना भी इंडियन आर्मी का सेंटर बना हुआ है ना, अब मान लो इंडियन आर्मी की भर्ती तो 4 साल के लिए हो गई है। देखो, बहुत सारे भाइयों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे भाइयों को ये बात नहीं पता होगा कि हर एक सेंटर से, इंडियन आर्मी का जितना भी सेंटर है, हर एक सेंटर से सिविल की भर्ती निकाली जाती है। उसमें सिर्फ वर्दी नहीं मिलता है, लेकिन सैलरी आपका उतना ही रहेगा। आपका जैसे बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकलती है जिस तरह आर्मी वाले को कैंटीन सुविधा मिलता है ना, सेम उसी तरह, मतलब वहां से जब सिविल की भर्ती निकाली जाती है ना, तो कैंटीन सुविधा उनको भी मिलता है और मतलब खाना पीना जिस तरह आर्मी वालों का होता है, सेम उसी तरह जिन लोगों का सिविल का भर्ती कराया जाता है उस सेंटर में, उन लोगों का भी खाना पीना सेम उसी तरह होता है भाई। और उन लोगों का हाइट बहुत कम मांगा जाता है, ये बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं होगा। क्योंकि कुछ भाइयों को जब पता चलता है ना, तो वो लोग बोलते हैं, यार मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो भाई, आप लोग पहले से जान लो, जितना भी इंडियन आर्मी का सेंटर है, हर एक सेंटर से सिविल की भर्ती निकाली जाती है और ये सिविल की भर्ती में सिर्फ वर्दी नहीं मिलता है, बाकी इंडियन आर्मी का जिस तरह खाना पीना रहना उठना बैठना सब कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। बस हथियार नहीं मिलता है और वर्दी नहीं मिलता है। और वो भर्ती जब भी निकलती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस सेंटर में कम भर्ती रहती है उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जिस सेंटर में ज्यादा भर्ती रहती है उस पर मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ। अभी देखो, एक बीआरओ की भर्ती निकलती है, बीआरओ की भर्ती निकल चुकी है, ठीक है ना। देखो यार, मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, आप लोग सिर्फ टी आर्मी की तैयारी करते हो, अगर टी आर्मी की भर्ती आ भी गई और 10 दिन का टाइम मिला और उसमें आप रेस नहीं मार पाओगे तो फिर आप क्या करोगे, बोलो। साल भर तैयारी करोगे ना, अब पता नहीं साल भर के बाद हो सकता है टी आर्मी की भर्ती हमेशा के लिए बंद हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर आप अपने लाइफ में क्या कर पाओगे। मान लो टी आर्मी में आप दौड़ भी निकाल दिए और पेपर नहीं निकाल पाओगे या मेडिकल में छट जाओगे तो फिर क्या करोगे। इसलिए भाई, मैं आप लोगों से मिला जुला कर बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी ऑफलाइन भर्तियां निकलती है इसमें हाइट बहुत कम रहता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। आप लोगों को कोई भी भर्ती नहीं छोड़ना है, अच्छे से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को भर्ती देखने जाना है। अब बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि नीलेश इतना बोलता है तो तू क्यों नहीं भर्ती हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मेरा बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना है। आप लोग तो देखिए लिए, मुझे NCCC एक जगह से नहीं मिला तो मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। और जब से इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया ना, तब से मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मैं क्या, बहुत सारे लड़के टूट चुके थे और जिस तरह पहले दौड़ते थे ना, उस तरह कोई भी बंदा नहीं दौड़ता है, ये बात रियलिटी है। तो इसलिए मैं पहले कोई भी मतलब भर्ती आती थी सिविल वाली तो मैं उसमें फॉर्म भरता ही नहीं था। हाँ, मैं आप लोगों को बता देता था लेकिन मैं फॉर्म भरता नहीं था। इसलिए नहीं भरता था, मेरे सर पर बस एक ही जुनून है ना कि मुझे फौज की वर्दी पहनना है, फौज की वर्दी पहनना है, बस इतना ही भाई। मैं सिर्फ वर्दी के पीछे भागता था। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन मेरा भी आ गया है कि मैं भी कोई भी ऑफलाइन भर्ती आएगी या ऑनलाइन भर्ती आएगी, चाहे उसमें वर्दी मिले चाहे ना मिले, बस उसमें ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसके पीछे अब मैं भी भागने लगा हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है ना। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ग्राउंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टी आर्मी की तैयारी करते हैं, वो लोग भी अब ऐसी भर्तियों के पीछे भागने लगे हैं। अब सबको बस ये है ना कि कहीं ना कहीं मैं भर्ती हो जाऊं, क्योंकि मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे हैं ना, वो लोग ओवर एज हो चुके हैं यार, 30-30 साल एज हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पाए हैं। देखो,
मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ भाई, अभी मेस वाली भर्ती निकलने वाली है, आर्मी AOC आर्मी ऑडियंस कोर्प्स वाली भर्ती निकलने वाली है, और अभी BRO का फार्म भरा जा रहा है। BRO के ऊपर मैं वीडियो भी बना दिया था। BRO में पूरे भारत के लिए टोटल 246 वैकेंसी है, और 246 में 10 पास मांगा है, और हाइट आपका 165 सेंटीमीटर रहेगा तभी भी काम चल जाएगा। 26 सितंबर तक लास्ट डेट है, 20 तारीख से मतलब 20-21 के फार्म भर दोगे ना तभी भी आपका फार्म ऑफलाइन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसका ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, अगर BRO में फार्म भरना होगा तो नेट पर सर्च मारना, यूट्यूब पर सर्च मारना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं भी उस पर एक वीडियो बना दिया हूँ। तो जितने भी भाइयों को फार्म भरना होगा फार्म भर देना, मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखो आप लोग टी आर्मी के पीछे अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करो मेरे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना तैयारी बंद कर दो, आप लोग अपना तैयारी करो, लेकिन सिचुएशन तो देखिए रहे हो। कोई भी भर्ती आ रही है तो उसको सीरियसली लो और उसमें फार्म भर के भर्ती देखने जाओ। और मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग अपने स्टडी पर फोकस करो यार। अब पता नहीं टी आर्मी की भर्ती किस तरह से कराई जाने वाली है, अग्निवीर का तो देखिए रहे हो किस तरह से कराई जा रही है। इसलिए मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, मेस वाली भर्ती आ रही है, आर्मी AOC आर्मी ऑडियंस कोर्प्स वाली भर्ती आ रही है, और ये BRO वाली फार्म अभी भरी जा रही है। लेकिन जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में तो सिर्फ एक बात बैठ गया कि भाई हमको सिर्फ टी आर्मी में ही भर्ती देखने जाना है, क्योंकि सिर्फ टीए में ही एज ज्यादा मिलता है, लंबाई जैसे कम नापा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत सारा ऐसा भर्ती है ना जिसमें एज ज्यादा मांगता है, 18 से 30 साल तक एज मांगता है, 18 से 40 साल तक एज मांगता है। लेकिन ऑनलाइन भर्ती में बहुत कम ही ऐसा होता है, ऑफलाइन भर्ती में ना 40 साल तक एज मांगता है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं रहता है। अब ये जो नेवी वाला भर्ती निकला है, जिसको पता रहेगा वो ऑनलाइन कराएगा, और जिसको नहीं पता रहेगा वो अपने दिमाग में ये बैठाया रहेगा कि भाई जब टी आर्मी का भर्ती आएगा तो भर्ती देखने जाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दो मेरे भाई। जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, अगर मेरा कोई बात बुरा लगा होगा तो माफ करना मेरे भाई। मेरा मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। आप लोग खुद अपने आप से एक बार पूछ कर देखना कि भाई मैं टी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, इतना दिन से ग्राउंड में जाकर दौड़ रहा हूँ, अगर टी आर्मी में मेरा दौड़ नहीं निकल पाएगा तो पता नहीं अगली बार टी आर्मी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अगर मेरा दौड़ निकल भी जाएगा, मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा, तो फिर मैं आगे चलकर क्या करूंगा। ये सारी की सारी बातें आप लोग सोचना जरूर, ठीक है ना। और ये जितना भी ऑफलाइन भर्ती आता है, अगर आप लोगों को हमारे बात पर नहीं विश्वास होगा तो अगर आपके दोस्त कोई फौजी होंगे ना तो उनसे आप लोग पूछ लेना कि आपके सेंटर से ऑफलाइन भर्ती निकाली जाती है क्या, और निकाली जाती है तो उसमें हाइट किस तरह से नापा जाता है, और उन लोगों का ड्यूटी क्या होता है, सैलरी क्या होता है, और उन लोग मतलब कैसे रहते हैं, ये पूरा का पूरा बात आप लोग पूछ लेना। उसके बाद से आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जितनी भी भर्तियां आगे चलकर आने वाली है उन सभी भर्तियों के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों से जितना भी बात बताया हूँ इस बात को सर्च जरूर करना, एक दूसरे से पूछताछ जरूर करना, इससे आपका दिमाग खुलेगा, आगे का रास्ता आप देखोगे, ठीक है ना। आप खुद सोचोगे यार मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी भाई। अब वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। देखो आपको दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, जब तक आप अपने अंदर से सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं और मोटिवेट नहीं होंगे ना, तब तक दूसरे का बात सुनकर तो आपके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक सुनोगे तब तक मोटिवेट रहोगे, सोचोगे हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये जानकारी रखनी चाहिए, और जैसे उस वीडियो को देखना बंद करोगे, उसका बात सुनना बंद करोगे, तैसे जिस तरह आप पहले करते थे ना उसी तरह से लग जाओगे। ये रियलिटी है मेरे भाई। इसलिए आप लोग अपने आप से खुद सवाल करो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और कब तक तैयारी इस तरह से करता रहूंगा। तो भाई मैं तो आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जितना भी मैं आप लोगों को बताया हूँ सर्च जरूर करना, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में पता जरूर करना। वैसे जितने लोग भी हमसे जुड़े रहेंगे, मुझे मतलब किसी भी भर्ती के बारे में पता होगा तो मैं उनसे बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारे भाइयों का सोच बदल सकता है।